गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 और आज के ट्रिप का मैंने नाम दिया है नदिया के पार बोंडवा हमार। जानेंगे क्यों एपिसोड के लास्ट में। हर दिन की तरह रुपिन को सोते सोते हुए ही हम उठा के लेके आए हैं और जब तक वो जागा हम पहुंच गए थे हमारे पहले डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है मंकी टेम्पल। और भी बहुत सारे नाम हैं इनके, जैसे मंकी माउंटेन, वाट सुवान, कुहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इफ़ यू ऑल वुड हैव डन सम रिसर्च यू माइट हैव नोन दैट थाईलैंड इज़ द कंट्री ऑफ बुद्धिज़्म। जहाँ कहीं भी जाइए बहुत सुंदर बुद्धा जी के टेम्पल्स मिलेंगे आपको। और टेम्पल को हम यहाँ पे वाट बोलते हैं और बुद्धा जी को बुद्धा बोलते हैं। दे ऑल्सो नो आवर बिहार बोधगया और यहाँ से बहुत सारे लोग बोधगया जाते हैं वहाँ के बुद्धा जी से मिलने। What an amazing world! हम वहाँ जाते हैं वो यहाँ आते हैं। अब हम हमारे बच्चे को लेकर केव में पहुँच गए। यहाँ जो केव था वो काफ़ी ऊंचाई पे था और अंदर में बिल्कुल सांस भी नहीं आ रही थी। हम काफ़ी ऊपर तक चढ़ गए एंड देयर वॉज ओनली वन वे टू कम डाउन। हम थक गए इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था तो हमारे पास एनर्जी भी नहीं थी, इसलिए हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और हम बस वापस आ गए। रुपिन को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो गोदी में ही चढ़ा रहा, गोदी में ही आया। बट द टेम्पल वॉज गुड, भगवान का आशीर्वाद मिला और हमारी ट्रिप शुरू हो गई। तो आज की ट्रिप में है समुंदर, समुंदर, बहुत सारा समुंदर, बहुत सारा पानी, दूर 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 देश और बस बहुत सारा नेचर। We will talk to nature, see the nature, and then fulfill our eyes and soul with this serene sight and keep it forever in our memories. Let's explore, forget. Rupin is so lucky to do this journey in such a young age. और इट इज़ सो फनी कि उसको ये सब बातें कभी याद भी नहीं रहने वाली हैं, इसलिए हमने उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए कि वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसे दिखाएंगे कि देख बेटा हम तुझे कहाँ कहाँ ले गए थे। टू गिव यू एन ओवरव्यू, ये एक वन डे ट्रिप होता है जिसके लिए आपको कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स बुक करने पड़ते हैं अवे अहेड। और ये आपको आपके पिकअप लोकेशन से लेकर के जाएंगे, पूरा जर्नी कराएंगे, दे विल प्रोवाइड यू फूड एंड वेर एवर एनी टिकट इज़ रिक्वायर्ड दे विल पे फॉर द टिकट, इट इज़ इंक्लूडेड इन द टूर्स पैकेज। एंड देन आफ्टर एवरी साइट सीइंग दे विल देन ड्रॉप यू ऑफ टू द प्लेस वेयर दे पिक्ड यू। सो दिस इज़ द वे वी डू दिस जर्नी। अच्छा, थ्रिलिंग इसलिए है ये चीज़ क्योंकि मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे लकड़ी के बोट में इतने बड़े समुंदर में नहीं गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं समुंदर में गिर गई तो मैं अपने आप को नहीं बचा सकती हूँ। हमारे साथ जो बंदा है इसका नाम एलेक्स है और उसने क्या किया, वो हमें हर जगह की डिटेल्स दे रहा है, पहाड़ों के नाम बता रहा है जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। और साथ साथ में वो बीच बीच में ये भी पूछता है, क्या आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं? और हम, ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा। कहीं पे हम जा रहे हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे आए, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, जल्दी नीचे झुको, नहीं तो सर में लग जाएगी। माई गॉड, इस जगह को देखिए आप लोग कैसे दिख रहे हैं, ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप्स। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके और एलेक्स ने हमसे पूछा कि क्या आप उतरना चाहते हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं? बिलीव कीजिए लोग वहाँ जा रहे थे, बट आई हैड नो गट्स टू लीव रुपिन एंड गो समवेयर, तो मैंने साफ मना कर दिया और मैंने राहुल को बोला तुम भी नहीं जाओगे। इसलिए बस हमने बाहर से साइट सीइंग की। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। ओ भाई साहब, 3 घंटे हो गए हैं हमें समुंदर में ट्रैवल करते हुए और दूर दूर तक कोई ज़मीन नहीं दिख रही है। बिलीव मी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और डर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, ऐसी फीलिंग है अभी अपनी।
जैसे ही हमने एलेक्स को बोला कि हमें बहुत जोरों की भूख लग गई है, उसने बोला, Oh, you are lucky. Let's go to eat. The middle of the sea has a restaurant. You see that? Full of lovely cuisine, and we enjoyed a lot. Post which, we started our journey again towards the surprise. ये देखो रूपिन को कितना मजा आ रहा है और मेरा बेटा इतनी तेज हवा में उड़ रहा है. After like another 30 minutes, हम पहुंच जाते हैं इस जगह पे जहाँ पे ये बहुत बड़ी बोट लगी हुई है और ऐसी बहुत सारी बोट्स लगी हैं यहाँ पे. देखिए another thrill waiting for us. What is that? The canoeing, जो इस लड़के ने बड़ी खुशी में किया. चेहरा देखो इसका. अब कहानी ऐसी है कि हमें उस बड़े से बोट पे ले जाया गया और हम लोगों को बोला गया कनू पे बैठने के लिए. बात सुनते सुनते सर को नीचे झुकाना मत भूलना, ये आपको लग जाएगी नहीं तो ऊपर. और अच्छे से ये सारी जगहों को देखते देखते कहानी आगे सुनिए. तो हमें कहा गया कनू पे बैठने के लिए. कनू इतनी हल्की सी बोट होती है, ये रबर वाली. अब हम उस पर एक बंदा बैठा है, उस पर राहुल बैठा है, उस पर मैं भी बैठ गई, उस पर रुपिन भी बैठ गया और रुपिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी इस पर. तो हम दोनों उतर गए और वो बंदा अकेले राहुल को लेके चला गया. थैंक्स टू राहुल कि उसने इतनी सुंदर वीडियो बनाई है. ये लुक एट दिस, वाओ. ओहो बंदे का टशन तो देखो. जैसे ही बीवी बच्चा हाथ से गया, बंदे ने अपनी लाइफ जैकेट निकाल दी है और वो ये बड़े आराम से बैठा है खुश होकर के. आने दो वापस, मैं इसकी खबर लेती हूँ. आवाज सुनो इस जगह की कैसे आ रही है. एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और समुंदर की आवाज़ सुनिए. व्हाट डू यू फील? यहाँ पे सर वीडियो बना रहे हैं और वहाँ मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से बाबा बाबा चिल्ला रहा था, जिसको राहुल यहाँ तक सुन पा रहा था, ऐसा राहुल ने मुझे बताया. धड़कते दिल के साथ अपनी कनूइंग कंप्लीट करते हुए राहुल धीरे धीरे वापस हमारी बड़ी वाली बोट को देख पा रहा है और उसको लग रहा है चलो अब ये जर्नी कंप्लीट हुई. सही बात है, पहली बार है ये. एंड आई सजेस्ट कि आप अगर छोटे बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो यू डोंट डू दिस, क्योंकि ये रिस्की होती है. इट इज़ नॉट दैट ईजी हाउ यू सी. जब आप करने जाएंगे कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो. हंसी आ रही है मुझे. अगर मेरे गांव वाले लोग देखते तो बोलते अरे कनू का हुआ है हो. फिर हम उस पे आंसर देते ओही रबर वाला बुटवा. हमारी छोटी वाली बोट पे हम वापस आ गए हैं और एलेक्स ने हमें दिया है स्नैक्स. और यहाँ का स्नैक्स है फ्रूट्स, पाइनएप्पल, मैंगो. लवली अनदर 1 आवर ऑफ बोट राइड और हम कहाँ पहुँचे. टैन 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 टैन. यस द वन एंड ओनली वर्ल्ड फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड.
Let the sky fall when it crumbles. You stand tall, face it all. Together, let the sky fall. अगर ये पैंडेमिक का टाइम नहीं होता तो लोग आपको जैसे ही आप बोट पे से उतरते, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो टूरिस्ट को घेर लेते हैं। और ये जगह फेमस है पर्ल ज्वेलरी के लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर पर्ल ज्वेलरी यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं और उनको बेचते हैं। सो बट हमारे को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिकॉज़ टूरिज्म इज़ ऑलमोस्ट शट हियर। तो मिलिए हमारे जेम्स बॉन्ड से। हाँ, ये येलो टी शर्ट वाला, यही हमने आपको बताया था ना, नदिया के पार बॉन्डवा हमार, यही तो है मेरा जेम्स बॉन्ड जिसको हम ले आए हैं बहुत बहुत दूर यहाँ खेलने के लिए। बट ये जगह बहुत साफ नहीं है खेलने के लिए। पहली बात तो ये कि यहाँ का पानी बहुत साफ़ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो शोर है उस पे इतने सारे शेल के छोटे छोटे टुकड़े थे, गड़ सकता है वो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं। सो नॉट इम्पॉर्टेंटली गुड टू प्ले। अपने छोटे मंकी को खाना खिलाया, उसके बाद हमने किया मैंडेटरी फ़ोटोशूट। मेमोरीज़ में रखने के लिए बहुत ज़रूरत है, पता नहीं फिर कब आए हम यहाँ पे वापस, इसीलिए हमने खूब फ़ोटोज़ खिंचवाए। वहाँ पे माउंटेंस देखा और वहाँ पे और भी एक जगह थी सैंक्चुरी जो बंद थी, वो भी देखा हमने। देन वी हेड बैक टू पवेलियन। अगेन अनदर 4-5 hours ऑफ समुंदर की यात्रा। ये देखिए हमने बीच में क्या देखा, ऑयस्टर फार्म्स। ये साइकिल के टायर्स होते हैं ना, वो लगाए हुए हैं। और बड़े सरप्राइजिंग ये है कि जैसे हमारे किसानों के पास खेत होते हैं ना अपने अपने, वैसे इन लोगों के पास भी हैं। हर ट्रिप की तरह वी वर लकी इनफ टू कैच साइट ऑफ दिस अमेजिंग थिंग। ये बंदा ये पर्ल निकाल रहा है। यस राइट, ही सो हैप्पी। ये ऐसे ही लोग यहाँ पे पर्ल निकालते हैं, जाते हैं और इन टायर्स में से ढूंढते हैं जो ऑयस्टर्स उनको खा रहे होते हैं, फिर वो उसमें से चुन के पर्ल निकालते हैं। हमारी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। हम वैसे चले तो नहीं, लेकिन समुंदर की ग्रेविटी के वजह से, अट्रैक्शन की वजह से हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रही है, इसीलिए हम लोग अपने होटल चलेंगे। सी यू टुमारो इन द लास्ट एपिसोड ऑफ सीरीज फुकैत। टिल देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय बाय।